अपनी जर्नी को कैसे देखती हैं आप? सक्सेसफुल एक्टर की फेलियर स्टोरी है। व्हाई डू यू से दैट? टुडे आई हैव नो वर्क, शुड आई सफोकेट माय सेल्फ टू डेथ? जो आज सुशांत ने स्टेप उठाया, डज दैट थॉट क्रॉस योर माइंड? यस, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने बोला आई विल गिव यू 25 लाख पर मंथ, यू बिकम माई सैलरीड वाइफ एंड आई एम सो थैंकफुल टू बॉलीवुड हंगामा एंड थैंकफुल टू यू कि आपने मुझसे पैसे नहीं मांगे। Hi guys, this is Neetu Chandra and you watching me on Bollywood Hangama. आज हमारे साथ में नीतू चंद्रा, एक लंबे अरसे से अच्छा काम करने के बाद आज कुछ हमसे अपने दिल की बात बताना चाहती हैं एंड लेट्स सी व्हाट शी हैज टू से। बहुत बहुत स्वागत आपका बॉलीवुड हंगामा पे। थैंक यू सो मच अर्जुन जी। चाहे वो ओए लकी लकी ओए हो, ट्रैफिक सिग्नल हो, हॉलीवुड में भी आपने एक प्रोजेक्ट आपने अभी किया है, अपनी जर्नी को कैसे देखती हैं आप फिल्म इंडस्ट्री में? साउथ में आपने काफ़ी काम किया है। मेरी स्टोरी एक सक्सेसफुल एक्टर की फेलियर स्टोरी है। व्हाई डू यू से दैट? क्योंकि coming from where I come, there are not many people who have done what I've done. कोई मेरे पहले नहीं आया बिहार से, कोई मेरे बाद ऐसी लड़कियाँ नहीं हैं जो मैं देखूँ कि you know इसको look up to कर सकती हूँ, कोई भी ऐसा नहीं आया। हमेशा से था कि कुछ ऐसा करूँ जो स्कूल में मैं थिएटर करती रही तो you know मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद मैंने अपने आप ही पढ़ाई की, सब कुछ किया। मैं सोचती थी कि मैं एक्टर बनूंगी और मैं ऐसे करूंगी वैसे करूंगी, और किस्मत से मुझे ना इतना बड़ा लॉन्च मिला जो सपने में भी नहीं सोचा जा सकता है। मुझे प्रियदर्शन सर ने गरम मसाला में अक्षय कुमार सर के साथ, जॉन इब्राहिम के साथ लॉन्च किया। उसके बाद मैंने ट्रैफिक सिग्नल किया मधुर भंडारकर के साथ, मतलब मधुर भंडारकर सर ने मुझे वो मौका दिया, बहुत बड़ी बात थी, एक नेशनल अवार्ड फिल्म एज अ सोलो लीड। दिबाकर सर गेव मी सच अ रोल विच इज़ स्टिल यू नो लोग बात करते हैं उसके बारे में। सो दिबाकर सर गेव मी दैट रोल विच गॉट अ नेशनल अवार्ड। रन किया मैंने अमिताभ बच्चन सर के साथ। इतनी बड़ी बड़ी फिल्में करने के बाद यू नो टुडे आई हैव नो वर्क, कोई काम नहीं मेरे पास, क्यों कैसे मुझे नहीं पता। मैंने साउथ इंडिया में भी सूर्या के साथ सिंगम 3 में काम किया, सूर्या सर गेव मी दैट अपॉर्चुनिटी। नागार्जुना सर के साथ काम किया, विक्रम के कुमार डायरेक्टर के साथ काम किया। मैंने 13 नेशनल अवार्डेड फिल्म मेकर्स के साथ काम किया है, माधवन सर के साथ काम किया, विशाल, जे एम रवि सर, इन सब के साथ काम किया। हॉलीवुड की अभी फिल्म रिलीज़ हुई है, सोनी पिक्चर्स की मूवी है, आई प्ले वन ऑफ द मेन लीड्स। और जब मैं ये सारा फाइट करके वापस आती हूँ यहाँ, एंड मैंने सारे दरवाजे खटखटाए हैं फरीदू, हर दरवाज़ा, ऐसा लग रहा है जैसे इंडस्ट्री मुझे बता रही है कि तुम चाहे कहीं से भी काम करके आओ, तुम्हारे लिए रास्ता नहीं है, तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि उसके मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं हॉलीवुड में काम करूं, बॉलीवुड में काम करूं, साउथ, हिंदी, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे बहुत मौके दिए और मैंने हमेशा प्रूफ किया अपने आप को। लेकिन अब जब मैं काम मांग रही थी लोगों से तो उनको लोगों ने मुझे काम नहीं दिया, मैं हॉलीवुड करके आ गई हूँ तो अब ऐसा हो गया कि अच्छा तुम तो हॉलीवुड में काम कर रही हो, हॉलीवुड सोचता है अरे तुम तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हो, लाइक आई एम ऑफ नो वेयर। तो मैं दरवाज़ा खटखटा खटखटा के थक चुकी हूँ, मेकर्स को फ़ोन कर करके थक चुकी हूँ, कास्टिंग डायरेक्टर्स तो फ़ोन मैसेजेस भी नहीं उठाते, मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रही हूँ। काम मांगना मेरा हक है, काम तो मांग ही सकती हूँ, मैं तुमसे मैं जायदाद नहीं मांग रही, तुम्हारी ज़िंदगी नहीं मांग रही हूँ, क्या ऐसा मांग ले रही हो? सो इट इज़ जस्ट अ फेलियर ऑन अ एवरी डे बेसिस ऑफ फाइटिंग फाइटिंग एंड फाइटिंग एंड फाइटिंग, डजंट गो, ख़त्म ही नहीं होता। I come from a middle class family from Bihar. What is it? मैं सोचती हूँ कि मतलब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी को लोगों ने काम नहीं दिया,
आर डी बर्मन जी को काम नहीं मिला, आज के टाइम पे गोविंदा सर को देखिए आप, या बड़े बड़े जो सीनियर आर्टिस्ट रही हैं जैसे यू नो आयशा जुल्खा मैम, या ममता कुलकर्णी मैम, या शिल्पा शिरोडकर मैम, या इनफैक्ट फॉर दैट मैटर महिमा चौधरी मैम जो फाइट कर रही हैं कैंसर और डिवोर्स्ड है, कहाँ चले जाते हैं ये लोग? क्या क्यों ऐसा हो जाता है? कहाँ है इंडस्ट्री? कौन है ये लोग? अभी मैं कुछ दिन पहले नीना गुप्ता जी का इंटरव्यू देख रही थी कि आफ्टर शी क्रॉस 60 शी इज़ गेटिंग जॉब नाउ बिकॉज शी ट्वीटेड कि मैं बॉम्बे में रहती हूँ और मैं जॉब करना चाहती हूँ, मेरे को अपना काम पता है. तो क्या मुझे उस वक्त इंतज़ार करना पड़ेगा कि मैं जब 60 क्रॉस हो जाऊँगी तो मुझे लोग काम देंगे? लाइक आई एम अ फेलियर बिकॉज आई एम नॉट एबल टू प्लीज दीज पीपल. आई कॉन्ट प्लीज, आई डोंट नो हाउ टू प्लीज. आई मीन माई मॉम कीप सेइंग तुम स्टार हो, तुम जहाँ से आई हो वहाँ ऐसा कोई किसी ने कुछ नहीं किया. मैं बोलती हूँ मॉम, मैं ना कभी कभी डर जाती हूँ. घर में क्या होता है कि मैं इंतज़ार करती हूँ कि ना मम्मी सुबह उठे अपना काम वाम करके. सर सिंह कि कभी कभी मैं इतना डर जाती हूँ कि मैं अपने रूम से बाहर नहीं निकलती हूँ. मुझे लगता है मम्मी पूजा वूजा करके अब चली जाए अपने रूम में तो मैं निकलूँगी, क्योंकि वो पूछेंगे आज कहाँ जा रही हो तुम, कौन सा काम आने वाला है, किससे मिलना है, उससे मिलो इससे मिलो, देखो तुम्हारा बहुत अच्छा होने वाला, नीतू यू आर अ स्टार, बहुत अच्छा होने वाला है. और मैं सोचती हूँ इस बात का क्या जवाब दूँ कि मैं यू नो मैंने पूरे सेविंग्स इकट्ठा की, मैं लॉस एंजलिस गई, मैंने 2-3 साल बहुत फाइट किया अकेले. मुझे लोगों ने कहा है कि कुछ नहीं होगा, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, छोड़ दो नहीं होगा, शादी कर लो तुम, हैव अ बैकअप, शादी कर लो बैकअप. वो बैकअप होता है, दैट्स व्हाट आई एम, लाइक एनी गर्ल इज दैट. यू ओनली मैरी व्हेन यू आर कंपैटिबल, यू लव द पर्सन टू लिव विद दैट पर्सन. आई कैन नॉट गेट मैरिड लाइक दैट. लोग ने बोला शादी कर लो या बैकअप रख लो. मैं इतनी मेहनत से वहाँ गई अकेले फाइट करके, मैं इतनी बड़ी फिल्म अपने बलबूते पे, कोई नहीं कह सकता कि नीतू को मैंने कुछ कराया. मुझे तो लोगों मुझे तो यहाँ तो वीज़ा तक रिजेक्ट हो गया था. मैं लंदन में नंगे पैर 1 डिग्री में शूट करती थी परिधून, और रोज़ यही कहती थी कि थैंक यू कोविड के टाइम में जिसको कोई काम नहीं है आज मुझे काम मिल रहा है. और ये सब करके आके फिल्म रिलीज हो गई, अमेजोन प्राइम ने USA में उसको 5 स्टार दिया हुआ. अब मुझे अपने जगह पे काम नहीं है मेरे पास. क्या हम ये कह सकते हैं कि दैट अगर आपकी फिल्मोग्राफी पे अगर जैसे देखें, गरम मसाला में आपने स्टार्ट किया, इट वाज अ फन फिल्म एंड दैट वे, लेकिन आपकी जो मोस्टली आपकी जो फिल्में रही हैं ट्रैफिक सिग्नल, ओए लकी लकी ओए, अगर जस्ट मेंशन द टू, तो उसमें आपका एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड आपके किरदार थे, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स आपके थे. क्या हम ये कह सकते हैं कि जैसे बहुत बार जो एक्ट्रेसेस हु प्ले सेकंड फिडल टू हीरोज, या फिर सॉन्ग एंड डांस करके, या फिर जो एक यू नो बेसिकली थोड़ा साइड में रहना प्रेफर करते हैं इन टर्म्स ऑफ यू नो जो एक फ्रिवलस थोड़ा सा, मतलब सब नहीं करेक्ट, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि दैट जो एक्ट्रेसेस का वो होता है कि गाने अच्छे हों और कुछ कॉमेडी के सीन्स हों, एंड शी इज बेसिकली लाइक एन आर्म कैंडी फॉर द हीरोज काफी बार, मोस्टली हमेशा नहीं. तो शायद आपने उस तरीके के किरदार करना ना पसंद करके आपने परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल्स करने चाहे, इस वजह से यू कम अक्रॉस मे बी एज टू स्ट्रॉन्ग फॉर सम पीपल. वेल आई कैन से दैट मे बी माय कॉन्फिडेंस वाज इंटिमिडेटिंग फॉर लॉट ऑफ पीपल, लेकिन वही सारे लोग जिनकी बात आप कर रहे हैं वही तो आज की दुनिया में या हिस्ट्री में जाने जाते हैं, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम स्मिता पाटिल जी या शबाना आजमी जी, या यू नो आप जितना नाम लीजिएगा आप, उसमें उन्होंने गाना डांस के साथ अपने नाम नहीं बढ़ाई, अपनी पहचान उन्होंने अपने परफॉर्मेंस के साथ बढ़ाई. मैं उमराव जान प्ले करती रही, 2 घंटा लाइव ऑन स्टेज रहती हूँ, 17 साल से लेकर 80 साल की औरत का रोल उर्दू हिंदी में करती हूँ. निदा फाजले जी और निरंजन अयंगर जी का लिरिक्स है उसमें, रेखा भारद्वाज का म्यूज़िक है उसमें. अगर मुझे ऐसे परफॉर्मेंस स्टेज पर मुझे करने का मौका मिला है, तो आप कैसे सोच सकते कि मैं जाऊं और फिर मैं
सिर्फ पेड़ के चारों तरफ डांस गाना करूँ, मैं मुझे प्रॉब्लम नहीं है वो भी करने में, करूँगी वो भी किया है मैंने, ऐसी फिल्में गरम मसाला, नो प्रॉब्लम जैसी फिल्में सब की है मैंने. लेकिन आज के टाइम पर यू नो आई एम जस्ट लुकिंग फॉर गुड वर्क. आई एम इतना ज़्यादा स्ट्रगल हो गया है लाइफ, और एंड आई कनेक्ट विद दीज एक्टर्स हु हैव बिन फाइटिंग, हर लेवल पे सब फाइट कर रहे हैं. मेरी माँ ने मुझे जिस तरह से मुझे हिम्मत देती हैं, मैं तो जिंदा ही इसलिए हूँ क्योंकि मैं फैमिली के साथ रहती हूँ. आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब यही हो सकता है कि क्या मैं किसी बैकग्राउंड से आनी चाहिए एक गाना सुंदर प्रेजेंट करने के लिए. आप कोई भी गाना देखिएगा ना जो सुपर हिट है, उसमें ऐसे ऐसी एक्टर्स होते हैं जिनके बैकग्राउंड से आते हैं, उनके चारों तरफ ही वो पूरा एंटराज बनाया जाता है, उतनी पब्लिसिटी होगी, उतनी मार्केटिंग होगी. अब आपको नहीं भी अच्छा लगा, इतना दिखा देंगे कि आपको अच्छे लगने लगेगा. मुझे ऐसे किसी ने नहीं दिखाया शायद मैं सुंदर नहीं, एक्टिंग अच्छी नहीं कब, लेकिन मैं तो 3-3 नेशनल अवार्डेड फिल्मों की पार्ट हूँ, थिएटर करती हूँ, और जो हूँ सामने हूँ, मतलब इसमें कुछ छुपाने की बात नहीं है. एक्चुअली आपको बताऊँ, मैं ना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कर्जे में भी हूँ. क्यों? हॉलीवुड करने गई, इकट्ठे करके गई पैसे, मैंने उसे ये इन्वेस्टमेंट होगा, मैं वापस आऊँगी तो मुझे बहुत काम मिले, क्योंकि हम हिंदुस्तान में हॉलीवुड रिटर्न को बहुत ऊपर देखते हैं. तो अब आप व्यंगात्मक जिंदगी जिए, आपको यही सुनना पड़ेगा तंस, अब तो तुम हॉलीवुड चली गई, तुम्हें क्या है. मैंने कहा मैं तो 6 महीने से यहाँ हूँ, लिटरली मैं ऐसी हो गई, मैं सोचती हूँ क्या है, इज इट कि मैं बिहार से आती हूँ और मैं इतनी लो, और लिटरली आई फील सो डिप्रेस्ड. इतना काम करने के बाद भी मुझे काम नहीं, एंड आई वॉन्ट टू वर्क इन गुड प्रोजेक्ट्स. नहीं तो सब लोग बोलेंगे ये कर लो वो कर लो, अरे क्यों कर लूँ भाई, आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए मुझे. शुड आई सफोकेट माई सेल्फ टू डेथ? क्या लोगों के जाने के बाद ही उनके सारे काम को लोग पहचानते, वो होना चाहिए? जो आज सुशांत ने स्टेप उठाया, कितने सारे लोग सोचते हैं ये सब बात, आप सोच के देखिए कितने लोग बोलते हैं. Does that thought cross your mind? Yes, it does. Being a girl, fighting in the male-dominating society and an industry, I've been fighting and fighting and fighting. I don't want to give up. तो लोग बोले तुम बहुत strong हो. अरे strong से मेरा bill नहीं pay होता है. मैं कुछ ऐसा नहीं मांग रही हूँ जो एक छोटे से level, एक रिक्शा वाले चलाने से लेकर टाटा बिरला से लेकर टॉप ऑफ द टॉप पीपल आर नॉट लुकिंग फॉर. ऐसा कुछ भी नहीं मांग रही हूँ मैं. मैं काम मांग रही हूँ एंड आई हैव टू बी पेड फॉर दैट, सो दैट आई कैन पे माई बिल्स एंड आई कैन वर्क. आई लुक एट सुशांत स्टोरी, आई लुक एट सो मेनी पीपल स्टोरी एंड आई एम लाइक, जाने के बाद हंगामा हो गया, वो यहाँ से था, उसको इंडस्ट्री ने नहीं अपनाया, ये वो. आज आप कह सकते हैं, जो जितने लोग भी सुन रहे हैं, आई एम श्योर कहेंगे नीतू तो सिंपथी गेन करने आई है, नीतू तो पीआर कर रही है, या मैं पहले तो नहीं आई ऐसे बोलने. आज मैंने हॉलीवुड करने के बाद बोल रही हूँ ये बात, ये नहीं कि मेरे काम नहीं आए हुए हैं या कुछ नहीं कर रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ. क्योंकि जब अगर नहीं बोलूँगी तो आप कहेंगे तुमने बोला, ये किसी से बोला नहीं क्या इसने, बोलना चाहिए था ना. और अगर मैं बोलूँगी तो आप कहेंगे पब्लिसिटी कर रही है, सिंपथी चाहिए. हमें जाए कहाँ, क्या करना है, लाइक वेयर शुड यू गो? ऑल द एक्टर्स सिटिंग देयर हु हैव बीन फाइटिंग टुवर्ड फ्रॉम कोविड टाइम, 2-2.5 साल हो गए, कितने लोग के पास काम रहता है. आपको मैं एक किस्सा सुनाती हूँ, यू विल नॉट बिलीव दिस. एक बहुत बड़े बिजनेस मैन है, बहुत पैसे वाले, ऐसे करें तो 4 फिल्में फंड हो जाए, नो प्रॉब्लम. बोले कि अरे तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा काम इतना अच्छा है, तुमने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, कमाल का काम किया है तुमने, ये वो, आई विल फंड योर फिल्म. आई वॉज वेरी हैप्पी, इट्स लाइक वाओ, चलो और सब जगह इस तरह से काम नहीं हुआ तो इस तरह से काम मिल जाए, कि ही इज़ रेडी टू फंड माई वर्क. पर उन्होंने उसके बाद क्या कहा, आई विल फंड योर फिल्म बट यू फर्स्ट गेट मैरिड टू मी. मुझे शादी करनी पड़ेगी फिल्म काम करने के लिए, हाउ? एंड जब मैंने उनको मना किया तो फरीदून यू वॉन्ट बिलीव वट ही सेड, आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी डॉटर, एनी सिस्टर, एनी मदर टू हियर दैट. ही सेड ठीक है,
मैं तुम्हें ऐसा ऑफर देता हूँ कि तुम कभी मना ही नहीं कर सकती हो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा क्या सिचुएशन है। उन्होंने बोला, आई विल गिव यू 25 लाख्स पर मंथ, यू बिकम माई सैलरीड वाइफ। तुम्हें मेरे मेरे नाम को अपने नाम के पीछे डाल के सब न्यूज़पेपर सब में छापना होगा कि यू मैरिड टू मी एंड यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, आई हैव नो प्रॉब्लम्स। बट दैट पॉपुलरिटी ओवर नाइट, आई नीड एंड यू नीड मी टू फंड योर प्रोजेक्ट्स। सो दिस इज वॉट माई ऑफर इज, नाउ यू से नो टू इट। आई लुक्ड एट हिज फेस, आई वाज लाइक, डिड यू रियली से सैलरीड वाइफ? What is this terminology? I have never even heard of this. किसके बेटी या बहन को कोई कहेगा कि ना उसको उसका सैलरीड वाइफ बना दो? कौन कहेगा? एंड आई सेड नो, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं इस तरह का तो कर ही नहीं सकती। हाउ विल यू वॉन्ट मी टू हैव अ प्रोडक्टिव प्रोडक्ट वेन यू हैव पुश्ड मी डाउन टू दिस लेवल दैट यू आस्किंग मी टू बिकम अ सैलरीड वाइफ? एंड मैं कभी उसका नाम नहीं लूंगी क्योंकि आई डोंट वॉन्ट हिम टू बी पॉपुलर। इस सिचुएशन तक लोग आ जाते हैं एंड आई सो कनेक्ट विद ऑल दीज एक्टर्स हु आर गोइंग थ्रू हेल। माई इंडस्ट्री हैज गिवन मी दिस पोजिशन, आई एम सो थैंकफुल टू प्रियदर्शन सर, मधुर भंडारकर सर, राम गोपाल वर्मा सर, अनीस बजमी सर, दिबाकर बैनर्जी सर, यू नो शेखर कमला सर, ऑल दीज बिग नेम्स दैट दे गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी। बट टूडे आई थॉट कि जनता ने मुझे बनाया है ना, आज मेरा जो भी थोड़ा भी नाम है वो इसलिए क्योंकि मैंने ये फिल्में किए हैं और मैं इसके पार्ट रही हूँ, तो मैं जनता को जाके ही बोल रही हूँ। एंड थैंक गॉड छोटी से छोटी चीज छापने के लिए ना इतना पैसा मांगते हैं सब लोग, मेरे पास नहीं है पैसे, ना काम ना पैसा। एंड आई एम सो थैंकफुल टू बॉलीवुड हंगामा एंड थैंकफुल टू यू कि आपने मुझसे पैसे नहीं मांगे। हर एक छोटी सी चीज छपवाने के लिए बड़े बड़े पैसे मांगते और सब कहते हैं तुम इतनी स्ट्रांग हो। क्या करूं मैं स्ट्रेंथ का? एक्चुअली आई थिंक आई एम स्ट्रांग, दैट इज वाई आई कुड हैव द गट्स टू कम एंड गिव दिस इंटरव्यू। नहीं तो जैसे बहुत सारे लोग बैठे हैं घर में और घुट घुट के मर रहे हैं, उनकी बात सुनने के लिए भी कोई नहीं है, वो बैठ ही जाते, किसी दिन वही स्टेप लेते जो बहुत सारे लोगों ने लिया। लेकिन आई थॉट दैट समवेयर आई हैव टू टेल द स्टोरी। इतना काम करने के बाद मैंने इतनी फिल्में की हिंदी में, और माय फादर पास्ड अवे इन 2009 लाइक ही हैड कैंसर। उसके बाद मैंने अपनी से अपनी माँ का ध्यान रखा, मैं कुछ नहीं किया। 2 साल के बाद वापस आए, मैंने साउथ की बहुत सारी फिल्में की, हिंदी आई, हिंदी में मुझे कोई काम नहीं दिया, मैं वापस गई उमराव जान करने लगी। फिर मैंने 2-3 फिल्में की, वो रिलीज़ नहीं हुई, बड़ी फिल्में हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई। मैं दौड़ भाग, मेरे को इतनी घबराहट होने लगी, मुझे लगा मेरा क्या होएगा, मैं पूरी दुनिया में भागने लगी। मैंने एक ग्रीक फिल्म किया 2016-17 में, मैंने इरफान सर को मैसेज किया, मैंने कहा सर मैं न्यूयॉर्क में हूँ और मुझे ना काम चाहिए, मैं इंडिया में बहुत हाथ पैर मार चुकी हूँ, मुझे वही दरवाजे बंद हो चुके हैं। जितना भी जब तक उनके अपनी एक कैंप ना हो, अपना कंफर्ट जोन ना हो, तुम काम ही नहीं कर सकते। तो इरफान सर ने मुझे बोला तुम जय खन्ना से मिलो एलए में, जो उनका मैनेजर था उस वक्त। मैं जय से मिली लेकिन कुछ नहीं हुआ, और वहाँ के जितने जो टॉप के इंडियंस, उन्होंने बोला ऐसे नहीं होता, यहाँ के रहना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगा, ये होगा वो होगा। मैंने बोला कैसे होगा? फिर मैं इंडिया आई, मैंने सूर्या सर के साथ सिंगम 3 में आइटम सॉन्ग भी किया, और ऐसे ही 3-4 और काम किए, बड़े बड़े ही किए, लेकिन किए, पैसे इकट्ठे करके मैं वापस गई। मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया था 4 नवंबर 2020 का, अगर आप ट्विटर देखेंगे मेरा तो मैंने उस पर लिखा था कि आई हैव साइन अ हॉलीवुड फिल्म एंड माय वीज़ा इज आई एम नॉट गेट एबल टू गेट द वीज़ा क्योंकि मुंबई के एम्बेसी बंद है। मैंने बोला मैं एम्बेसी के बाहर आके खड़ी हो जाऊँगी, जब तक मुझे वीज़ा नहीं देंगे आप मैं नहीं जाऊँगी। मैं दिल्ली एम्बेसी गई, मैं खड़ी रही, और मुझे कैसे कैसे करके हाथ पैर जोड़ के मुझे वीज़ा मिला। मैं वहाँ से लंदन गई एंड आई हैव फेस रेसिज्म इन लंदन,
बैडली. एक्शन फिल्म था, रोज चोट लगती थी फरीदून, रोज. और मैं चूत तक नहीं कहती थी कि मुझे पता था एक लड़की थी वहाँ पर, उसको चोट लगी थी, उसको उन्होंने निकाल दिया, क्योंकि दे डोंट हैव टाइम टू, यू नो, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. मैं चूत तक नहीं करती थी, मुझे लगता था भगवान ने मुझे काम ही दे दिया है, बहुत थैंक यू बड़ों का आशीर्वाद. मेरी माँ जो मुझे कहती रही वो मैं अब पूरा कर पाऊँगी, अब पूरा कर पाऊँगी. 1 डिग्रीज नंगे पैर में मैं सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक से लिटरली कहो कि एक्शन में चोट ही लग सकती है ना, चोट ही लग रही थी मुझे. और मैं खड़ी थी एकदम जैसे कि मैं, जैसे इंडिया रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं. मैं ब्लैक बेल्ट 4th डैन हूँ, मैंने इंडिया रिप्रेजेंट किया है 3 बार. और वो जो बचपन से किया है ना, वो अभी भी कर ही रही हो. वहाँ मुझे लग रहा था मैं, पूरे साउथ एशिया से कोई लड़की नहीं है इसमें, मैं हूँ सिर्फ. और मैं इंडिया रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इंडिया रिप्रेजेंट कर रही हूँ. और मेरे इंडिया में मेरे लिए काम नहीं. मैं कॉलेज में थी फर्स्ट ईयर में, तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी से अवार्ड मिला था. मैं आपको तस्वीर दिखा, मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, तो मैंने पहली बार इंडिया रिप्रेजेंट किया था. और मुझे जैकी चैन से बहुत अप्रिसिएशन मिला था हांगकॉन्ग चाइना में. मैं कॉलेज में मिस फ्रेशर थी, कॉलेज के 3rd ईयर में मिस कॉलेज थी. मैं सब कर रही थी, रास्ते तो खुलते ही रहे थे और यहाँ आके बंद. इसीलिए मैंने बोला मैं एक सक्सेस स्टोरी की फेलियर स्टोरी हूँ. आई थिंक ये आपका नज़रिया है, बट आई थिंक यू डन रियली सब्सटैंशली. और आप हॉलीवुड की फिल्म का बार बार जिक्र कर रही हैं, बट मुझे लगता है कि उससे पहले भी आप सब्सटैंशियल काम कर चुकी हैं. एंड यू डोंट नीड एन एंडोर्समेंट ऑफ अ हॉलीवुड फिल्म टू रियली प्रूव योर नॉट एट ऑल. यू आर टोटली राइट, नॉट एट ऑल. मैं सिर्फ बार बार इसलिए वो कह रही हूँ क्योंकि मैंने उसको अभी किया है. उसके पहले आप कह सकते हैं कि गैप था काम के बीच में, क्योंकि मैं थिएटर कर रही थी और मैंने बहुत सब्सटैंशियल काम किए हैं, लेकिन अब कुछ नहीं है. मुझे तो अच्छे काम से मतलब है. यहाँ आप करा लीजिए, हिंदी में करा लीजिए, आप गुजराती में करा लीजिए, आप साउथ में करा लीजिए. मेरी मातृभाषा भोजपुरी है, मैं बिहार से आती हूँ. आप मुझे एक फैंटास्टिक स्क्रिप्ट दे दीजिए, मैं कहीं भी काम करूँगी. सिर्फ काम ही तो मांग रही हूँ. आई डजेंट मैटर इट्स हॉलीवुड और नॉट. पीपल कीप सेइंग दैट तुम हॉलीवुड कर लियो, तुम एक नहीं मतलब है. वो अच्छा स्क्रिप्ट था एक्चुअली. अगर आप देखेंगे उस फिल्म में, मैं थ्रू आउट फिल्म में हूँ, एक छोटा सा रोल नहीं है. आई प्ले वन ऑफ द मेन लीड्स. वो एकदम परफॉर्मेंस बेस्ड फिल्म था. उसमें मुझे एक्शन करने का भी मौका मिला, क्योंकि मैं यहाँ पे इतने एक्शन फिल्म्स बनती नहीं है. जो भी बनती हैं वो एक्टर के चारों तरफ लिख के जाती हैं फिर बनती हैं. नीतू, आप लॉस एंजलिस में आप रह के आई हैं, आप US में. अभी वेस्ट में आई थिंक मेंटल हेल्थ को लेके एक बहुत ही हेल्दी अप्रोच होता है. इंडिया में हमारे जो हैं वो बिल्कुल उसको बहुत ही अलग तरीके से देखते हैं. इसी वजह से बहुत बार लोग अपने जो इनर मोस्ट फीलिंग्स हैं उसको एक्सप्रेस करने से डरते हैं कि लोग जो हैं वो लेबल करना शुरू कर देते हैं, विच इज़ कंसिडर्ड स्टिग्मा in our society, and which is I think absolutely unhealthy. Yes, it's absolutely fine to have you know, fears and to have anxieties and to express yourself. Aur jitna aap express karenge aur utna zyada aap you feel better right about yourself. Hopefully you will feel better after this conversation. I already started feeling better actually. Yeah, so aapki nazar mein और ये कॉन्वर्जेशन हुआ भी है. दीपिका ने भी बात करी मेंटल हेल्थ के बारे में, और भी लोग बात करते हैं. प्रियंका चोपड़ा से मेरी बात हुई थी, प्रियंका ने कहा है कि दैट आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशंस दैट वी नीड टू हैव. आपकी नज़र में कितना ज़रूरी है इंडस्ट्री में, विद द सॉर्ट ऑफ कट थ्रोट एलिमेंट जो एट टाइम्स आता है, टू हैव मोर सेंसिटिविटी, टू हैव दिस डिस्कशन अबाउट मेंटल हेल्थ एंड टू बी मोर एम्पैथेटिक? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फरीदून, आई विल टेल यू. क्योंकि हमको ह्यूमन बनना नहीं छोड़ना है. आई फील दैट समटाइम्स द रिएक्शंस ऑफ द पीपल, द वे दे डील विथ यू इज सो इनह्यूमन. काम आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट हो सकता है, लेकिन आप उस काम के चक्कर में इनह्यूमन तो नहीं बन सकते हैं. ह्यूमैनिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आपको सेंसिटिव होना ही पड़ेगा, क्योंकि आज मेरे साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ भी होगा. एंड आई ऑलवेज से फिजिकल स्ट्रेंथ लीड्स टू मेंटल स्ट्रेंथ एंड मेंटल हेल्थ. तुम फिजिकली अपने आप को क्योंकि कुछ और तरीका नहीं है, तुम फिजिकली ट्रेन करो, मेंटली तुम्हें बहुत सुकून मिलता है एक अलग तरीके से. मेडिटेशन करो, योग, जिसने मुझे बचा रखा. आई थिंक मेंटल फिटनेस के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी. जैसे आज मैं बात करते करते मैं रोने लगी, इट्स फाइन. मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, इट्स एब्सोल्युटली फाइन टू, मैं इंसान हूँ. मैं क्या, मैं कोई पत्थर नहीं हूँ. ये इंडस्ट्री एक्चुअली आपको पत्थर बना देता है, आई फील.
एक और बहुत ही अमेजिंग सा बात है, अगर आप एटीट्यूड शो करके सामने आएंगे ना तो लोग आपके पीछे घूमने लगेंगे। जैसे ही आप सिंपल बन के आए, आपको सामने से कहा जाए कि आई एम लुकिंग टू वर्क विथ यू, इट्स अमेजिंग, योर वर्क इज क्लास, तो ये गर्जू है, ये काम मांगने आई है क्योंकि इसका काम नहीं है, ये गर्जू है। और एटीट्यूड वाला पर्सन ज़रूर कोई बात है, इसलिए इतना एटीट्यूड है, चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन आई डोंट वॉन्ट टू चेंज, आई एम अ सिंपल पर्सन, वाई वुड आई चेंज? आप मुझे पैसा दे के स्क्रीन पे कैरेक्टर दीजिए तो मैं चेंज होंगी, लेकिन मैं ऐसे ही फालतू में क्यों? और मुझे लोग कहते हैं तुमने जितना काम किया तुम तो बहुत एटीट्यूड दिखा सकते हो, मैंने कहा नहीं, वो मेरा काम है, मेरा एटीट्यूड मेरे काम में है, एक्शन और कट के बीच में मेरा एटीट्यूड होना चाहिए। मैं ना इतना घबरा गई, मैं अनवांटेड फील करती हूँ यार, आई जस्ट फील अनवांटेड हियर आफ्टर डूइंग सो मच वर्क, आई फील क्रैक्ड फ्रॉम इनसाइड, आई गेट एंजाइटी, आई एम लाइक ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। मुझे बोला गया था कि हॉलीवुड के करने के बाद ना ऑडिशन मत करना, मैं बोला ऐसा थोड़ी ना होता, प्रोफेशनल है हम ऑडिशन भी करेंगे, नहीं हम ऐसा नहीं कि ऑडिशन नहीं करेंगे। तो एक कास्टिंग डायरेक्टर, काफ़ी बड़ा नाम है, नाम नहीं बोलना चाह रही हूँ, लेकिन उसने मुझे बुलाया, और पहले उसने मुझे कभी ऑडिशन नहीं किया और काम भी नहीं दिया, और उसने मुझे बोला कि तुम ऑडिशन करो, देखो दिस इज़ योर्स, दिस इज़ तुम बस ट्रस्ट मी, वी विल डू इट। मैंने सोचा प्रोफेशनली मुझे करना चाहिए, मैंने किया अभी 2 महीने पहले, ऑडिशन के टाइम में ही, मतलब 1 घंटे के अंदर उसने बोला आई एम रियली सॉरी नीतू, दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट, लाइक यू लिटरली ऑडिशन मी टू रिजेक्ट मी ताकि आप मेरा कॉन्फिडेंस तोड़ सकें। ये तो इनह्यूमन बात है, आप क्यों ऐसा करेंगे? जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट कि पहले भी मैंने तुम्हें काम नहीं दिया था और अभी भी नहीं दूंगा। सो इससे तो मेंटली हिलते हो, हम इंसान हैं, हम सब हिलते हैं, लेकिन मैं किसी को बोल नहीं सकती हूँ कुछ। और अगर इंडस्ट्री, अगर मीडिया प्रेस में कुछ भी बोलने जाइए, हर चीज़ के लिए दे विल आस्क यू टू पे 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 फॉर, लेकिन अगर यही पे करके मुझे सब कुछ करना होता तो यू नो आई थिंक कुछ भी फेक न्यूज़ डाल दो फिर तो क्या ज़रूरत है, लेकिन मेरे पास नहीं है पे करने के लिए, आई डोंट हैव दैट मच ऑफ वर्क टू पे माई बिग बिल्स, मैं अपना घर चलाती हूँ, थैंकफुली मेरा भाई कुछ काम कर रहा है तो उसके घर में मैं रह रही हूँ, उसकी गाड़ी यूज़ करती हूँ मैं। नाउ पीपल से अरे ये तो मत बोलो नीतू, तुम्हारा इमेज खराब हो जाएगा, ये मैं हूँ तो इमेज है या नहीं है, अगर मैं नहीं रहूँगी तो आप क्या इमेज लेके घूमेंगे, किसकी बात करेंगे आप? मैं तो गई, ऐसे बहुत लोग चले गए, लेकिन कोई हिम्मत करके बोलता नहीं है कुछ। और आज मैं जो पता है कि जो नए नए लोग आए हैं उनको एक छोटा सा गैस चलाने से लेकर और ट्रैफिक से लेकर उनका भाड़ा से लेकर उनको बहुत खर्चा होता है, जो मैं 15 साल पहले झेल चुकी हूँ, सब कर चुकी हूँ। एंड वापस LA जाके मैंने फिर से वो शुरू किया फरीदून, मैंने फिर से वो स्ट्रगल किया, और मैंने किया झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, आपको पता है US में कोई मिलेगा नहीं क्या भाई तुम 2000 ले लो और ये कर लो, खुद किया मैंने। और तैयार होके मैं मीटिंग के भी जाती थी, ऑडिशंस के लिए भी जाती थी, और ये मैं लास्ट 2-3 साल से कर रही थी, ये होप में कि मैं ये फिल्म लेके जब वापस जाऊंगी तो मेरे लिए दरवाजे खुल जाएंगे। तो ये मेंटल फिटनेस और हेल्थ की बात करनी इतनी ज़रूरी है, क्योंकि आपके घर में जितने बच्चे और जो एक्टर बनना चाह रहे हैं, जो मॉडल बनना चाह रहे हैं, जो छोटी छोटी जगह से खासकर आ रहे हैं, वो बहुत गुजर रहे हैं अंदर से, कोई है नहीं सुनने के लिए, और गुजरते गुजरते इतना हाइप हो जाता है कि वो टूट जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं। आई वॉज कमिंग हियर एंड आई वॉज ब्लैंक, इट्स लाइक यू नो मैं बोलूँ ये नहीं बोलूँ ये बोलूँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या, मुझे लिमिट में बोलना चाहिए, मैं दिल की पर्सन हूँ, मुझे जब मैं एकदम जब ब्रेक हो गई, टूट गए, ख़त्म हो गई, लोगों ने बोला अरे तुम्हारे इतने सारे को एक्टर्स रहे हैं, यू नो यू हैव हैड रिलेशनशिप्स इन द इंडस्ट्री, वाई डोंट यू गो एंड टॉक टू देम, क्या करूँ क्या बोलूँ, एवरीबडी नोज दैट आई वॉज सींग रणदीप, एवरी वन नोज, तो मैं क्या करूँ जाके रणदीप को बोलूँ क्यों? सो एवरीबडी लिसनिंग टू मी प्लीज़ गाइज बोलो, ज़रूर बोलो, क्योंकि फरीदून जैसे हैं लोग जो सुनेंगे तुम्हें, क्योंकि मैं घबरा गई बहुत। नहीं आप घबराइए मत, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, एंड आई होप कि दैट
ये कॉन्वर्जेशन लोग देखेंगे विद इन द इंडस्ट्री, एंड मुझे मुझे पूरा यकीन है कि आपको डेफिनेटली आपको काम मिलेगा. यू यू ऑलरेडी हैव द क्राफ्ट, इट्स अ मैटर ऑफ आई थिंक टाइम. एंड जिस तरीके से आपने पेशेंस आपने अब तक रखा है, तो मैं वही आपसे करना चाहूँगा कि आप उस पेशेंस को आप बरकरार रखिए. जिस तरीके से आपकी मदर ने बार बार कहा है कि दैट यू आर अ स्टार, सो यू डेफिनेटली आर अ स्टार. एंड मुझे लगता है कि अब अभी जिस तरीके से OTT में और वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम दैट पीपल टेक नोटिस ऑफ योर एंटायर सब्सटैंशियल वर्क. एंड आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. सो प्लीज़ होल्ड ऑन एंड स्टे पॉजिटिव. मुझे लगता है कि दैट things are definitely going to happen. Thank you so much, Faridun. I really appreciate this. And from our side, we'll make sure that this conversation reaches as many people as possible, both outside as well as within the industry. And I think kuch na kuch definitely aapne itne dil se bola hai, to dilon ko definitely wo baat pahunchegi. All right, so you take care. Thank you so much. All right, you take care. Thank you. That's all we have from Bollywood Hangama. Keep on watching. Hi guys, this is Neetu Chandra and you're watching me on Bollywood Hangama.